हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आवर टुडेज चैप्टर इज द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड ऑफ क्लास 9th। फर्स्टली, हु इज कैथरीन मैन्सफील्ड? कैथरीन मैन्सफील्ड वाज अ न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ पोएट। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी द लिटिल गर्ल। जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये एक छोटी बच्ची के बारे में है। वो अपने फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर के साथ रहती है एंड वो अपने फादर से बहुत डरती है। मेन थीम इज अबाउट यंग चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हर फादर। मींस आप सब भी इससे रिलेट करोगे, बिकॉज बचपन में हम सबको यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमको डांटते रहते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको समझ आता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है हमें पता चलता है दैट केजिया अपने फादर से बहुत डरती है। एवरी मॉर्निंग केजिया के फादर ऑफिस जाने से पहले केजिया के चीक्स पे किस देकर जाते हैं एंड वो उनको गुड बाय बोलती है। तो केजिया को बहुत खुशी होती है जब उसके फादर ऑफिस चले जाते हैं। वाय? बिकॉज उसको लगता है चलो पापा चले गए, अब मुझे घर पे डांटने वाला कोई नहीं है। उसके फादर कैरेज मीन्स घोड़ा गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाते हैं और जैसे जैसे कैरेज की आवाज घर से दूर जाने लगती है वैसे वैसे उसको चैन की सांस मिलती है। जैसे ही उसके फादर घर आते हैं, आने के साथ ही घर में शोर मचाने लगते हैं। मेरी चाय कहाँ है, मेरे स्लीपर्स कहाँ है, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है। तो केजिया की मदर अकेली होती है, इसलिए वो हेल्प के लिए केजिया को बुलाती है और केजिया को कहती है कि जाओ अपने फादर के बूट्स निकालो और उनको स्लीपर्स लाकर दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे? आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो जैसे ही केजिया अपने फादर के पास जाती है वो उससे पूछते हैं दैट हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो वो कहती है अ मीन स्टैमर करके थोड़ा अटक के आंसर देती है आई डोंट नो। अब स्टैमर क्यों करती है वो? बिकॉज वो अपने फादर से बहुत डरती है। उसकी स्टैमरिंग देखकर उसके फादर उस पे और गुस्सा हो जाते हैं और वो केजिया को बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही स्टैमर करती रहोगी तो तुम्हारी मॉम को तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। बट अब हमें पता चलता है कि केजिया किसी और के सामने नहीं हकलाती। तो अब जब वो इतना डरी सहमी लग रही थी अपने पापा के सामने तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम इतना रिचिड क्यों लग रही हो, मतलब ऐसा क्यों लग रही हो कि तुम अपनी अभी सुसाइड कर लोगी। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम केजिया को समझाओ कि वो इस तरीके से बिहेव ना करें, लोग क्या सोचेंगे। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स and his neck, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. केजिया के लिए उसके जो फादर थे वो एक जियांट की तरह थे। उनके हैंड्स इतने बड़े हैं, वो टॉल हैं, उनकी नेक इतनी बड़ी है, जब वो यॉन करने के लिए अपना माउथ खोलते थे तो उसको लगता था कि ये एक जियांट की तरह हैं। तो इसलिए वो अपने फादर से इतनी ज्यादा डरती थी। तो संडे आफ्टरनून को केजिया की ग्रैंड मदर उसको हमेशा ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि जाके वो अपने मदर फादर से बात कर सके। लेकिन जब भी वो नीचे जाती तो उसको दिखता कि उसकी मदर आराम से सोफे पे बैठ के रीडिंग कर रही है एंड उसके फादर सोफे पे लेटे हुए हैं और हैंकी से अपना फेस कवर किए हुए हैं एंड ही इज स्नोरिंग, मींस खर्राटे ले रहे होते थे। तो केजिया काफी डर जाती थी। एक दिन ऐसे ही सोते हुए केजिया उनको स्टेयर कर रही थी तभी उसके फादर जाग जाते हैं एंड उसको पूछते हैं कि तुम ऐसे स्टेयर क्यों कर रही हो, तुम एक आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब क्या हुआ, उसके फादर का बर्थडे आने वाला था तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि केजिया तुम अपने फादर के लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं बनाती, तुम एक अच्छा सा कुशन बना सकती हो अपने फादर के लिए, आई एम श्योर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो केजिया ने सोचा ये अच्छा मौका है फादर को इम्प्रेस करने के लिए। सो वो उनके लिए एक पिन कुशन बनाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो कुशन
की थ्री साइड्स सीव कर लेती है, तब वो सोचती है कि कुशन के अंदर किस चीज की स्टफिंग की जाए। तो वो इधर उधर देखती है, उसे कुछ मिलता नहीं है। ग्रैंड मदर बाहर होती है। केजिया सोचती है कि मैं उनको परेशान क्यों करूं। फिर वो अपनी मदर के रूम में जाती है एंड वहां वो कुछ पेपर्स देखती है टेबल पर। वो उनको टियर करती है एंड उनको उस कुशन के अंदर फिल कर देती है एंड उसके बाद फोर्थ साइड को भी वो स्टिच कर देती है। नाउ द गिफ्ट इज रेडी फॉर फादर्स बर्थडे। बट दैट इवनिंग क्या होता है, उसके घर में बहुत ज्यादा केओस होता है क्योंकि उसके फादर को स्पीच देनी थी, तो वो स्पीच जिन पेपर्स पे उन्होंने लिखी थी वो नहीं मिल रहे थे कहीं भी। तो अब उसी स्पीच को ढूंढ रहे थे सब, बट वो स्पीच लिखे पेपर्स कहीं नहीं मिल रहे थे एंड उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जो कि ऑब्वियस था। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। फाइनली मदर आती है केजिया के पास और पूछती है कि तुमने तो नहीं देखे पेपर्स या तुमने तो नहीं उठाए पेपर्स। तो केजिया बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलती है कि यस मदर, यहाँ टेबल पे जो पेपर्स रखे उनको मैंने टियर किया और उस कुशन में फिल कर दिया जो मैं फादर को गिफ्ट करने वाली हूँ। अब उसकी मदर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसको बोलती हैं दैट अभी के अभी तुम नीचे चलो। तो जैसे ही वो नीचे जाती है, अपने फादर को देखती है, तो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। केजिया के फादर उसको बहुत ही गुस्से से स्टेयर करते हैं और अपनी वाइफ को, केजिया की मदर को कहते हैं कि इसको बोलो कि ये अभी के अभी जाए और जाकर सो जाए। उस टाइम पे फादर केजिया को ना डांटते हैं ना मारते हैं। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। केजिया अपने रूम में जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है कॉर्नर में बैठ के। तभी उसके फादर रूम में एंटर करते हैं एंड उनके हाथ में एक रूलर होता है। वो केजिया को एक लेसन देना चाहते थे कि जो चीज उसकी नहीं है वो उसको हाथ न लगाए। तो वो केजिया से कहते हैं तुम खड़े हो जाओ। वो मना करती है, चीखती है, रोती है, बट उसके फादर नहीं मानते। जबरदस्ती उसके हाथ पे रूलर से मारते हैं एंड बहुत जोर 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 से जब वो रूलर मारते हैं तो उसका हैंड रेड हो जाता है। ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची है वो, तो उसकी हथेली जो है वो पिंक हो जाती है। केजिया बताने की कोशिश भी करती है कि उनके बर्थडे के लिए ही उसने ऐसा किया था ताकि वो फादर को कुशन गिफ्ट कर सके, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनते। सो अब केजिया बहुत देर तक रोती है, उसको पेन होता है। उसकी ग्रैंड मदर उसको अपने पास बिठाती हैं, उसको कडल करती हैं और ट्राई करती हैं कि ये चुप हो जाए। ग्रैंड मदर को लगता है कि केजिया इस चीज़ को, इस वाक्य को भूल जाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग तक, बट केजिया नहीं भूलती, वो रोती रहती है। उसको बहुत बुरा लगा था कि एक तो उसने अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाया और उसके फादर उसी को मार रहे थे, और वो सोचती है कि फादर्स को गॉड ने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि वो हमें डांटते रहें या मारते रहें। इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। यहाँ किस बारे में बात हो रही है कि एक दिन वो देखती है कि नेबर्स के फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं एंड ये केजिया देखती है, तो उसको लगता है कि सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ फादर्स अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं और उनको मारते नहीं हैं। तो उसका भी मन करता है कि काश मेरे फादर भी ऐसे होते। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब केजिया की मदर की तबीयत खराब हो जाती है एक दिन और उसकी ग्रैंड मदर उनके साथ हॉस्पिटल में होती हैं। घर पे कौन होता है, सिर्फ उसके फादर, केयरटेकर और केजिया, ये तीन होते हैं। अब फादर से तो वो डरती है, अब रात को मुझे कोई नाइटमेयर आएगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी, ग्रैंड मदर भी नहीं है। उसकी केयरटेकर कहती है डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे फादर भी तो हैं यहाँ पे, बट वो केयरटेकर एलिस की बिल्कुल नहीं सुनती। वो कहती है कि पहले जब मुझे नाइटमेयर्स आते थे तो मैं ग्रैंड मदर के पास जाके सो जाती थी और मुझे नींद आ जाती थी, अब मैं क्या करूंगी। बट एलिस उसकी बात ज़्यादा नहीं सुनती और कहती है कि तुम अब ज़्यादा परेशान मत हो और सो जाओ। सो उस रात केजिया को फिर से वही नाइटमेयर आता है एंड उस नाइटमेयर में क्या आता है कि एक बुचर है विद दी नाइफ्स जो उसकी तरफ आ रहा है एंड उसके हाथ में एक रोप है एंड उसके फेस पे अजीब सी स्माइल है। तो केजिया को इतना डर लगता है
कि वो फ्रोजन हो जाती है एंड वो कोशिश करती है ग्रैंड मदर को बुलाने की अपनी नींद में ही, बट कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब जैसे ही वो उठती है सपने से, वो देखती है कि उसके फादर कैंडल लेकर हाथ में उसके बेड के साइड में खड़े हैं, तो केजिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो फादर केजिया को अपने रूम में लाते हैं एंड उसको अपने पास सुला लेते हैं। उनको समझ आ जाता है कि उनकी बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है। केजिया के हाथ पैर ठंडे हो रखे होते हैं, तो केजिया से उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने फीट मेरे फीट से रब करके वॉर्म कर सकती हो। आज जब केजिया अपने फादर के साथ बेड शेयर कर रही थी तो उसको डर नहीं लग रहा था, एंड देन उसको समझ आता है कि उसके फादर शायद इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। आफ्टर ऑल वो भी सारा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, एंड मैंने क्या किया, उनकी इतनी इम्पोर्टेंट स्पीच को फाड़ दिया। मीन्स केजिया को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और उसको लगता है कि फादर इतने भी ज्यादा खराब इंसान नहीं है। ओह said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going, what a big hurt you have got, father dear. And then वो अपना head father की chest के पास रखती है तो वो हंसती है। father पूछते हैं क्यों हंस रही हो, तो कहती है कि father my head is near your heart and मुझे आपके heart की आवाज आ रही है, ये going means ये चल रहा है, इसकी आवाज आ रही है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, एंड मुझे डेफिनेटली ये कहना चाहिए कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.